कॉमेडी का डेली शो। आप लोगों को पता है हमारे सुरेंद्र ने प्रोड्यूसर से पेमेंट क्या मांग ली? वो कहते हैं अब सुरेंद्र ने ये दो बजाएंगे शो पर। लेकिन नहीं सुरेंद्र, मैं तेरा दोस्त हूं, जब तक तुझे इस शो से मैं धक्के मार के बाहर नहीं निकालूंगा तुझे कोई नहीं निकाल सकता। हाँ। हाँ यहां से चलो। दोस्तों बारिश का मौसम खत्म होने जा रहा है और लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए हैं और अब शादी का मौसम आ गया है। दोस्तों जब से ये शो शुरू हुआ है तब से हर हफ्ते 10-15 रिश्ते आ रहे हैं सुरेंद्र के लिए। क्या कर रहा है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए भी 300-400 रिश्ते आते हैं रोज। लेकिन अभी मेरा शादी करने का मूड नहीं है और मेरे जैसे ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो फिलहाल फेमस होके अब शादी नहीं करना चाहते। आज देश के सबसे ज्यादा योग्य बैचलर है राहुल गांधी। अगर इनसे शादी की बात चलानी है तो लड़की वालों को इनके घर पे नहीं बल्कि किसी गरीब की झोपड़ी में इंतजार करना चाहिए क्योंकि अपने घर से ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। वैसे भैया एक और राहुल भाई हैं जो दो बार शादी कर चुका है लेकिन जैसी उसकी हरकतें हैं वो हमेशा अगली बीवी की तलाश में रहेगा। दोस्तों अगली जिस हीरोइन की शादी की है मुझको चिंता वो है हमारी प्रीति झिंटा। इनसे शादी करने वाले को दहेज में कुछ और मिले या ना मिले हमेशा गले मिलने को तैयार, क्रिकेट टीम जरूर मिलेगी। भाई लोग कुवारी हीरोइन की लिस्ट में बिपाशा, प्रियंका चोपड़ा और करीना भी है पर इन सबको शादी करने के लिए हमारी जरूरत कभी नहीं है। इन सब ने किसी ना किसी को बुक करके रखेला है बॉस। और मजे की बात यह है कि अपने होने वाले दूल्हे को बदलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। कभी भी अपने होने वाले दूल्हे को बदल सकती हूँ? ये मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो सब लोग बोल रहे हैं। किस किस को मारोगी तुम? पहले की बात और थी, अब तो मैं चाह के भी लड़का नहीं बदल सकती। क्यों ना उसने टैटू बनवा लिया अपने हाथों पे मेरे नाम का। क्या तुम मेरे लिए टैटू बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ। तो बताओ हाँ। कहाँ बनवाओगी मेरे नाम का टैटू? मैं तुम्हारे लिए हाँ यहाँ बनवाऊंगा। यहाँ यहाँ हाँ यहाँ तो किसी को दिखेगा भी नहीं। तुम गलत समझी शायद। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसका नाम मेरे सामने लो। अरे मैंने किसका नाम लिया? शाहिद का। मुझे पता है आजकल वो किसी चोपड़ा का थोपड़ा देकर बड़ा खुश हो जाए। नहीं नहीं वो चोपड़ा भी अब पुरानी बात हो चुकी है। छोड़ने के मामले में सैफ कम नहीं है। क्या बक रहे हो? मेरा सैफ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे उस पर बहुत विश्वास है। अरे क्या सैफ से हमने खुद पूछा कि तुम शादी कब करोगे तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था। मैडम आइए आपको दिखाते हैं, दिखाइए। शादी नो नो नेवर पर बैचलर होना इट्स वाओ। अरे आज तक शादी करके लोगों को मिला है क्या? सिर्फ बच्चे। आई हेट योर बच्चा। अरे यार कल के मेरे बच्चे अगर बड़े हो गए, अगर उन्हें टैटू बनाने का मूड हो गया तो सबसे पहले वो मुझसे ही पूछेंगे, डैडी जाओ पहले उस आदमी को बुलाओ जिसने तुम्हारे हाथ पे ये लिखा। करीना वाओ जाओ। हाउ डेयर, उसने मुझे बोला था कि दिसंबर में हमारी शादी हो जाएगी।
हाल नहीं बताया होगा दीदी। देखा भाई लोग, एक ही मिनट में छोड़ दिया उसको। वैसे आप लोग को अंदर की बात बताऊं, ये सैफ नहीं था, ये अपना वीआईपी था। सैफ ने करीना से पीछा छुड़ाने के लिए वीआईपी को कहा था बात करने के लिए। तो ये सब सैफू ने किया था मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए। अरे वो क्या छुड़वाएगा मुझसे पीछा, मैं ही उसे छोड़ती हूँ, वो भी आज अभी और इसी वक्त। छोड़ती हो तुम उसको? सच में तुम उसे छोड़ती हो? अब ये बताओ ना, तुम्हें तुम्हें अगला बॉयफ्रेंड कैसा चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो तीन डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए, और वो है गुड लुक्स, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। चलते हैं चलते हैं, लेकिन तुम नहीं। सूरी जी, इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, डोंट बी लेट। धबड़ धबड़ धबड़। जो इस शो पर आती है इसको सेट करके चली जाती है। ये छुछुंदर, अगर तीन चार दिन में ये शो बंद नहीं हुआ ना, साले मैं बंद कर दूंगा तेरा खून करके। वैसे खून से मुझे याद आया, हमारे आज के कॉमेडी के डेली सोप में से आए कैसे डेली सोप के कलाकार आ रहे हैं जिनका कुछ ही दिन पहले खून हो गया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम उत्तरन के वंश यानी रोहित खुराना का। समोसे खाए थे तुमने? चला गया, अरे इसकी माँ का साकी ना खा। हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री और डेली सोप में सिर्फ एक ही एक्टर है, रोहित खुराना, द ओनली डेडिकेटेड एक्टर। अभी भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रहा, मरा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कि अपने आप को सलमान खान समझता है? हाँ, मेरा दोस्त मरा चाहती दिखा रहा है। रोहित हमारे शो पर पिछली बार भी आए थे, लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओए, मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं मैं। बेबी, लव यू। कृष्णा, ये मेरा नया व्हीकल है। पेट्रोल का टेंशन नहीं, पॉल्यूशन का टेंशन नहीं, सिग्नल पे कोई रोकता नहीं, और तो और जिधर से जाता हूं लोग हाथ जोड़ देते। चलो उतारो। क्या आइडिया है सुरेंद्र, तू मर क्यों नहीं जाता यार? हट, गाड़ी पार्क कर दो। क्या एंट्री मारी यार रोहित, आपने पता ही नहीं कि आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो। ये कौन सा नरक से कम है? अगर ये नरक होता तो ऐसा होता यार, सुरेंद्र लुंगी बांध के ना पकौड़े तल रहा होता, और मैं कुर्सी पे बैठा होता गुलाब का फूल लेकर, और लड़कियां नाच रही होती हैं। ये हाल थोड़ी होता कि मैं नाचूं और ये बजाए। भाई मुझे तो लगा कि यहाँ आकर मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। ओ देखो, ये पहला आदमी है जिसे मरने के बाद भी अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है। कॉमेडी के डेली सोप में आए हैं इसलिए हम आपको आपका फ्यूचर बता देते हैं। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। यहाँ थोड़ी बताएंगे, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। ऑलराइट।
एक्सक्यूज मी सर, मैडम अभी भी हम बार मिले तब तो आप सर थे। और फटे मुँह तेरा कृष्णा, तुझे कितनी बार कहा डेली सोप वालों से कॉमेडी मत कराया कर, मत कराया कर, लेकिन मेरी यहां सुनता कौन है? खैर, मेरा नाम है मिसेस चरसवाली। चरसवाली, ये कैसा नाम है? जब दारू वाला हो सकता है, गांजा वाला हो सकता है, तो चरसवाली क्यों नहीं हो सकता? अपना लेक्चर बंद करो और प्लीज मुझे मेरा भविष्य बताइए जरा। अभी लो। एक मिनट, एक मिनट, 20 रुपए रानी पे लगे। ये क्या करी? लग गए रानी पे 20 रुपए। अबे मैं यहाँ पत्ते लगाती हूँ, भविष्य बताती हूँ, और तेरा भविष्य मैं बताऊंगी। अबे सालो, ऑन करने से पहले बता तो दिया करो। इसमें तो करंट है। हाँ, मशीनें मर जाएंगी। डेली सो वाले हो ना? तेरा भविष्य में वैसे ही बता देती हूँ। बताओ ना प्लीज। तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बदतमीज औरत है आप। आजकल जमाना ही बदतमीजों का है। क्यों सुरिंदर? टीवी पे आता है ना वो डराने वाला, जो डरा डरा के राशियां बताता है कि मकर राशि वालों घर से बाहर मत निकलना वरना तुम टक्कर खा के मर जाओगे। मेरा भविष्य बताने से पहले ये बताइए कि आपका बताया हुआ भविष्य कभी कभी सच हुआ है? हाँ, मैंने एक अंकल साहब का भविष्य बताया था कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। एक अंकल का क्या चल रहा है यार, वो कब से बड़ा आदमी बन गया? कमाल है, देवानंद से 40 साल बड़े हैं, यमराज भी आके उन्हें भाई साहब कहता है, इससे बड़े क्या हो जाए। देखिए मैं अंकल साहब को नहीं जानता, किसी ऐसे इंसान के बारे में बताइए जिसे जिसे मैं जानता हूँ। सुरिंदर, इसको मैंने एक दिन कहा था कि एक समय आएगा जब बच्चे बच्चे की जुबान पे तेरा नाम होगा, ये जिस मोहल्ले से गुजर जाए आज बच्चे इसे पुकारते हैं दबर 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 दबर। आप सुरेंद्र को सेलिब्रिटी कहते हैं? अब तुझे भी तो कह के सेलिब्रिटी लाए यहाँ पे। बकवास बंद करो, चुपचाप भविष्य बताओ। क्या कर रही हो ये? खुद ही तो कह, चुपचाप भविष्य बताओ, बता रही हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा। कॉमेडी कर रही है तू, है कॉमेडी कर रही है। अब मैं भी ना करूं, तेरी वजह से अगर मेरी पेमेंट कट गई तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा भविष्य बताओ मेरा। भविष्य तेरे सर पे क्या हुआ? शनि चढ़ा हुआ है। थैंक गॉड। थैंक गॉड तो ऐसे बोला जैसे शनि ने सर पे चढ़ के तुझे किराया देना है। तेरा बेटा गर्क कर देगा शनि। तुम कैसे भाव, कैसे भाव इसे? ए बता, तेरे पास डीवीडी है? बस शनिवार की रात को पूरे चांद में राम गोपाल वर्मा की 7-8 फिल्में लगा के लगातार देख। शनि बेचारा कब तक देख पाएगा, खुद ही चला जाएगा। अच्छा एक, अब एक एक सीरियस बात बता, तुझे क्या लगता है कि ये कॉमेडी का डेली सोप चलेगा क्या? इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? मुझ जैसे और क्या? तो सवाल पूछना बनता है। अबे जब तेरे जैसे लोग आएंगे तो प्रोड्यूसर खुद नहीं देख पाएगा शो को। ए, क्या बकवास कर रही है? जानता हूं तो जैसी औरतों को, अरे सड़क पे बैठ के 10-10 रुपए लेके हाथ देखती है। मैं कृष्णा का लिहाज कर रहा हूं, वरना अभी तक ये तुम्हारा बागड़ा उड़ा के बाहर फेंक देता। ए, नहीं। क्या कर रहे हैं यार? अरे तोड़ना ही है तो सुरेंद्र का सर तोड़ो। ये सब तोड़ दोगे ना तो प्रोड्यूसर मेरी पेमेंट में से काट लेगा पैसे। ये तो इतना महंगा, तेरे 5-7 एपिसोड की पेमेंट चली जाएगी। ये चुप रह तू, मुझे काम की बात बता कि ये सुरेंद्र का कल क्या होगा? कल सुरेंद्र कल जेल जाएगा। क्या बात है, सुरेंद्र जेल जाएगा और तब मैं कहूंगा मैं जो गोवा में कहीं लेट के शैंपियन तोड़ रहा हूंगा, बियर पी रहा हूंगा। तू लेटा होगा लेकिन हॉस्पिटल में, क्योंकि सुरिंदर अपना तबला तेरे सर पे फोड़ के ही जेल जाएगा।
आपको बताया कि 20 सेकंड बाद आपका भविष्य क्या होगा? क्या होगा? 20 सेकंड बाद आप व्हील चेयर पे होंगी, मुंह लाल हुआ होगा, सारे संतरे पिचक गए होंगे। इससे पहले आप कह जाइए। एक सुरेंदर, हमारा भविष्य हमारे सामने है। अब ये संडे की तरफ मत देख, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर हमारे प्रोड्यूसर ने हमें 4-5 साल और पेमेंट नहीं दी ना, तो पता है सुरेंदर का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, थबड़ 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 पाजी।